वेलकम टू एपिसोड 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ज़फ़ी विथ यू। और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो उस कंटिन्यूएशन में ये एपिसोड नंबर 4 है जो हमारी 47 इयर्स सर्विसेज सऊदी अरब की है। तो इस एपिसोड में ज़्यादातर आपको मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा, वो भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो जैसा कि आपको पता है कि तकरीबन 3.5 साल मैं एक सऊदी अरब के एक छोटे से गांव जिसका नाम गनवा था, और वो तकरीबन दम्माम से 300 किलोमीटर दूर एक डेजर्ट में एक छोटा सा गांव था जहां बद्दुओं की आबादी थी। तो वहां पर जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको शेयर करूंगा, स्पेशली इस एपिसोड 4 में। तो आप मेरे साथ रहें, आपको पिक्चर के साथ जो है मैं बैकग्राउंड आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, स्टे विद मी। नाज़रीन, ये 1977 का वाकया है कि मेरी क्लिनिक में एक बद्दू अपनी बेटी को लेकर के आता है और ये बताता है कि इसके पेट में अक्सर औकात जो है दर्द रहता है। बाकी हिस्ट्री वगैरह लेकर के सारा कुछ फिर मैं जब एग्ज़ामिन के लिए इस बच्ची को लिटाया तो देखता हूँ कि इसके पेट के ऊपर मल्टीपल स्कार्स हैं, यानी जैसे जलने के कोई दाग होते हैं उस तरह। मैंने पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो वो कहता है कि ये बद्दुओं का होम ट्रीटमेंट है और जो पेट दर्द के लिए रेमिडीज़ के लिए होता है। बहरहाल इसका फिर बताया उसने नाम के इसको कई कहते हैं। तो बहरहाल मैंने उससे पूछा कि क्या इसके जलाने से पेट का दर्द ठीक हो गया, तो उसने कहा कि नहीं, कम हो गया, ठीक है, बेहतर है, लेकिन ये हम लोगों का जो है ना इनिशियल इलाज होता है कि जिस जगह दर्द हो वहाँ पर हम जलाते हैं। तो बहरहाल ये तो इनका ये सिस्टम है कि जिस जगह दर्द हो उस जगह वो जलाते हैं, लेकिन अब जो है वो लॉफुली इसको बैन कर दिया, अब कहीं नहीं होता। नाज़रीन, डॉक्टरों की प्रैक्टिस में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता। इस तरह एक दिन का वाकया कि दो बद्दू खातून एक पेशेंट को लेकर के आती हैं जिसके किडनी पेन था, काफ़ी सीवियर किडनी पेन था और वो तकरीबन तड़प रही थी। उसको क्लिनिक में लेकर आया, मैंने अपनी नर्स को कहा कि इंजेक्शन वगैरह बनाओ उसके लिए, और जब तक वो इंजेक्शन तैयार कर रही थी तो मैंने देखा कि एक जो खातून जो लेकर के आई थी वो वहाँ से स्लिप करती है और बाथरूम जा करके उसने जो है ना कोई चीज़ एक गिलास था, वो गिलास में जो है ना लेकर के आती है और ला करके इसके नकाब को उठा करके उसको पिला दिया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या पिलाया तुमने, उसने कहा नहीं, ये बद्दुओं का इलाज है। बाद में बताया कि ये यूरिन जो है उसने यूरिन उसमें अपना डाल करके इसको ला कर पिला दिया ताकि रीनल कॉलिक ठीक हो जाए। तो ये सारे मिथ्स हैं और मेरा बिल्कुल इसका एक्सपीरियंस नहीं था कि व्हाट इज़ व्हाट, क्या चीज़ है ये, लेकिन इस तरह के वाक़यात जो है जो अभी तक मैं फरामोश नहीं कर सका। नाज़रीन, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि बद्दू जो है वो बड़े अखलाकमंद होते हैं, बड़े इनोसेंट होते हैं और वो चीज़ को कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह के एक वाक़या ये है कि अर्ली मॉर्निंग जो है वो मेरे घर पर जो है एक बद्दू ने बड़े ज़ोर ज़ोर से जो है वो नॉक किया और कहता है कि जल्दी आओ, वो कुत्ते ने काटा है। तो बहरहाल मैं जो है वो मैंने उसको कहा कि तुम क्लिनिक चलो, मैं आ रहा हूँ। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा कि वो किधर है वो बंदा, उसको लेकर के आओ। तो उसने कहा नहीं, वो गाड़ी में है। तो जब मैं उधर आगे गया, उसके जो गाड़ी पिकअप थी उधर गया, तो देखा कि बहुत बड़ा सा दुम्बा जो है वो उस पर बैठा हुआ है। तो मैंने कहा कि पेशेंट किधर है, उसने कहा नहीं, इसी को जो है कुत्ते ने काटा है, ये देखो इतना सारा गोश्त इसका वो निकल गया, तो तुम इसका इलाज कर दो। तो मैंने कहा कि देखो, मैं जानवरों का डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं वो बनी आदम का डॉक्टर हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, तुम तो अच्छे खासे जो है ना ये सबका टूंड और ये सबका इलाज करते हो, तो ये तो कुछ भी नहीं है, तुम इसको जो भी स्टिच वगैरह करके बैंडेज वगैरह कर दो। मैंने कहा नहीं, मैं जो है ना वो एनिमल का डॉक्टर नहीं हूँ, जानवरों का डॉक्टर नहीं है, तो तुम इसको जो है दम्माम ले जाओ, वहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर है, वो इसका इलाज करेंगे। तो ये भी मेरे एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर किया। नाज़रीन, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्या मेरे गांव में प्रैक्टिस करने का था कि एक बद्दू अपने 4 साल के बेटे को लेकर के आया और कहा कि इसका जो है सरकमसीशन करना है।
तो उस वक्त ये सर्कुलर था कि इतने बड़े बच्चों को जो है हॉस्पिटल वहां पर रेफर करते हैं और सर्कमसीशन वहां हो। तो मैंने उसको कहा कि देखो ये 4 साल का बच्चा है, वैसे सर्कमसीशन जो है ये डिस्पेंसरी में नहीं होगा, ये तुमको हॉस्पिटल ले आना होगा, और वो उस वक्त सेंट्रल हॉस्पिटल दमान में जाना होता था। तो उसने कहा नहीं, मैं तो वहां नहीं जा सकता, मेरे पास इतने भेड़ बकरियां इतने ऊंट हैं, मैं इसको कौन देखेगा, तो तुम इसको जो है वो कर दो। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। तो फिर उसने कहा कि तुम तो इसको तो सिर्फ काट करके स्टिच करना होता है, कोई ऐसा नहीं है। मैंने कहा नहीं, ये हमें अलाउ नहीं है इस करना। तो खैर वो थोड़ा सा नाराज हुआ, वो चला गया। जाने के आधे घंटे के बाद देखा कि उसी बच्चे को लेकर के वो आता है, और इतना अपने हाथ को जो है उसके जो जेनिटल पार्ट है उसके ऊपर किसी कपड़े से ऐसे करके दबा करके लेकर आता है, और देखा कि उसमें ब्लड है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है कि मैंने इसका सर्कमसीशन कर दिया, अब तुम इसको जो है बैंडेज वैंडेज कर दो। बहरहाल वो तो इमरजेंसी हो गई थी, उस बच्चे को अपने ड्रेसिंग रूम में ले गया, देखा उसको, उसको तो चॉप कर दिया था उसने, प्रीपस फोर स्क्रीन उसने निकाल दिया था। बहरहाल उसको फिर मैं स्टिच वगैरह करके बैंडेज वगैरह करके दे दिया। तो ये इस तरह की इनकी थिंकिंग होती है, और ये लाइफ का ये सब एक्सपीरियंस है। तो एक एक चीज करके मैं जो है वो सीखता रहा वहां पर। नाज़रीन, अब मैं आपको सोशल एक्सपीरियंस बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर से सुने। अमीर का भाई जो मेरा दोस्त भी था, उसकी शादी थी, बड़े धूमधाम से गांव में शादी हुई, दुम्बे ज़बह हुए, ऊंट ज़बह हुए, और बड़े पुरतकल्लुफ खाना और ये सारा कुछ हुआ, और हम लोगों ने रात वो एंजॉय किया। दूसरे दिन सुबह में, सुबह की क्लिनिक में, मॉर्निंग क्लिनिक में वो देखा, वो हमारे पास आता है। जब वो आया हमारे पास, वो अमीर का भाई जिसकी शादी हुई थी, तो ये मैंने देखा कि उसके गर्दनों पर और हाथ में काफी स्क्रैच मार्क है, जिस तरह से कोई बिल्लियां नोच लेती हैं। तो मैंने कहा ये क्या है? तो हंसने लगा, कहता ये हमारा ट्रेडिशन है कि शादी की पहली रात में जब आप अपने दुल्हन के पास जाते हैं तो वो आपको जो आप हाथ लगाते हैं तो वो स्क्रैच करते हैं, तो इस तरह से ये कुछ नहीं है, ये हमारा नॉर्म्स है, तो इसको जरा तुम इसमें कुछ एंटीसेप्टिक वगैरह कुछ वैसे लगा दो। तो बहरहाल मैंने कहा कि फिर आज दूसरी नाइट को क्या हुआ? कहता नहीं, दूसरी नाइट को एवरीथिंग विल बी ओके, हर चीज जो है ना वो ठीक रहेगा, कुल शेमा इंशाल्लाह तैयब, तो तुम इसको जो है ना इसमें कुछ एंटीसेप्टिक वगैरह लगा दो। बहरहाल उसकी मैंने कुछ ड्रेसिंग वेसिंग कर दी, और मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि फर्स्ट नाइट को दुल्हन जो है, ये बद्दुओं का रिवाज है कि वो जो है आप जैसे जहां पर भी हाथ लगाएंगे वो स्क्रैच करेगी, और गर्दन में हाथ में इस तरह से जो है ना काफी अच्छे खासे स्क्रैचेस पड़े हुए थे। नाज़रीन, उस गांव के अमीर के भाई की तस्वीर है, जो शिकार का उससे बड़ा शौक होता था, तो वो हमें अक्सर लेकर के जाता था अपने कुत्ते के साथ खरगोश का शिकार करने, और वो रात में ही शिकार हुआ करता था। तो शिकार के बाद जो है वो अपने साथ खादिम होता था, खरगोश का शिकार करके वो फिर लेकर के हम खेमा में आते थे, और उस खरगोश को ज़बह करके फिर ये अपने हाथों से उसके गोश्त को जो है वो अपने ईगल को, अकाब को जो है वो खिलाया करता था।